फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और हुनर टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैंने बोया का एक माइक मंगाया जो फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर को इसको यूज करने का नॉलेज नहीं होता है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको नॉलेज कर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कैमरे में कैसे यूज कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन में कैसे यूज कर सकते हैं, सब मैं बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और चलिए मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो इसका मॉडल भी मैं दिखा दूं आपको। इसका मॉडल है जो बोया BY-M1 ब्लैक, ऐसा करके इसका प्रोडक्ट मॉडल दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम फाइनली बॉक्सिंग करके देखते हैं, खोल कर देखते हैं। और मैं इसमें कुछ आपको नया बताऊंगा जो सारे मैंने यूट्यूबर्स का वीडियो देखा जिन्होंने इसको लगभग सबका मैंने देखा जिन्होंने इसको अनबॉक्स किया है कि ये कुछ गारंटी वारंटी कार्ड है, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पर फाइनली माइक को खोल करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं और मैं क्या विशेष बताऊँगा वो भी आपको बताता हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर कोई वीडियो साइट पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, हमारे फाइनली माइक यहाँ पर देख लेते हैं। माइक के साथ कुछ और भी गैजेट मिले हुए हैं, जैसे ये जो बड़े है साउंड आते हैं साउंड सिस्टम, उसमें अटैच करने के लिए इस माइक को लू दिया गया है। कन्वर्टर को भी हटा देते हैं। ये हमारा नॉइज कटर है, यहाँ पर जो माइक को यहाँ पर लगाया जाता है तो लगा देते हैं यहाँ पर। ये होगा नॉइज कटर, जाल जैसा होता है जिसके अंदर वॉइस जाती है तो नॉइज यहाँ पर टकरा कर इधर ही रह जाता है। यहाँ दिया गया ये 3.5 mm का इसमें जैक दिया गया है जो कि स्मार्टफोन में या फिर कैमरे में इंसर्ट हो जाएगा आसानी से। एक ये क्लिप है, क्लिप जो कि यहाँ पर लगेगा, को यहाँ पर क्लिप अटैच हो जाएगा जिससे आप अपने कपड़े के किसी हिस्से में इसको लगा करके अटैच कर सकते हैं, जहाँ से वॉइस अच्छी क्वालिटी में आए अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कॉलर में या फिर पैकेट में या फिर बटन में। एक सेल है यहाँ पर सेल, तो सेल का मैं बात बता दूं, ये जो सेल है इस सेल की पहले तो आप मैंने जो मेन बात बताना आपसे कहा था कि मेन बात बताऊंगा कुछ अलग बताऊंगा, वो यही था कि आप इस सेल का पहले वोल्टेज चेक कर लें। अगर आप इसको कैमरे में यूज करना चाहते हैं, किसी DSLR में यूज करना चाहते हैं, तो इस वोल्टेज को चेक कर लें। देखिए यहाँ पर 1.59 लगभग, ये 1.5 वोल्ट का सेल होता है, तो हमारा ये सेल जो है पूरा तरह से चार्ज है काम करने के लायक। यही मुख्य बात था, कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बताता है कि ये सेल जो है किस तरह से चेक कर लें। चेक करके आप मान लीजिए कि आप कैमरे में यूज करना चाहते हैं और सेल डाउन है, आप कैमरा यूज कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वॉइस क्वालिटी तो आपकी बेकार चली जाएगी, तो उस समय आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। इस सेल को यहाँ पर इंसर्ट करना है हमें, जो सेल रिमूवर है उसको ऐसे करके देखिए, यहाँ पर एक प्लस का आइकॉन है, मैं दिखा दूँ नहीं दिख से, प्लस का आइकन है तो प्लस का आइकन को इधर रखना है और जो माइनस का आइकन है उसको इधर रखना है, उसके बाद इसमें इंसर्ट कर देना है ऐसे करके। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके इसमें लगा देना है। सेल जब निकालना हो तो आप इसको ऐसे खींचोगे, इस कपड़े को जो कपड़े का टुकड़ा दिया बेसिकली सेल को निकालने के लिए ही दिया गया है, तो इसको खींचोगे तो सेल बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर इसको कस देते हैं। अब मैं एक और बात बता दूँ, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको यूज करने में कुछ दिक्कतें आती हैं काफ़ी यूट्यूबर्स को, उसके लिए मैं बता दूं आपको। ये जो दिख रहा है कैमराज लिखा हुआ है, बीच में ऑफ मोड है, नीचे स्मार्टफोन है, स्विच इसमें दिया गया है। ये 3 मोड स्विच का काम है कि मान लीजिए कि आपको इस माइक को कैमरे में यूज करना है तो जो सेल लगा हुआ है वो सेल अभी वर्क नहीं कर रहा है, स्मार्टफोन और ऑफ मोड में वर्क नहीं करेगा, आपका सेल बचा रहेगा। हाँ, जब आप कैमरे में यूज करेंगे उस समय आपको इसको स्विच को कैमरे मोड में कर देना है, कैमरा मोड में चला गया तो वो सेल वर्क में आ गया, वो सेल अभी वर्क करेगा। स्मार्टफोन मोड में अगर आपको स्मार्टफोन में यूज करना है इस माइक को, तो आपको सेल की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप विदाउट सेल का भी यूज कर सकते हैं, सेल नहीं है, सेल चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको स्विच का जो मोड है, स्विच के मोड को आपको चेंज कर लेना है। कितना ही देर काम कीजिए, आपका जो स्मार्टफोन की जो सेल है बैटरी है उसी से ये वर्क करता है। तो चलिए अब मिलते हैं, इसका एक फाइनली टेस्ट करते हैं, लाइव टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, माइक को मैं लाइव टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। अभी जो वॉइस आपको सुनाई दे रही है
स्मार्टफोन का जो माइक लगा होता है उस माइक से, नॉर्मली उसी माइक से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और इसी क्रम में मैं इस जैक को स्मार्टफोन के हेडफोन जैक में इंसर्ट कर दूंगा। उसके बाद आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि दोनों वॉइस में क्या क्या डिफरेंट है, अभी जो वॉइस सुनाई दे रही है और इस जैक को लगाने के बाद इस माइक से जो वॉइस जा रही है उसमें, और दोनों माइक में क्या डिफरेंट है। तो चलिए इसको अब इंसर्ट करके देखते हैं। तो मैंने हेडफोन को इसमें इंसर्ट कर दिया है, हेडफोन में माइक को। अब आप बताइए कि वॉइस कैसी जा रही है, वॉइस का जो क्वालिटी है आप कमेंट करके बताइएगा। और आप भी अगर भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग का काम कुछ करना चाहते हैं यूट्यूब पर या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप इस माइक का बेखूबी से इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी इजी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये निकाला इसलिए आपको दिखा दूँ, ये जो होता है एक फोम जैसा होता है, ये बेसिकली नॉइज को काटने के लिए होता है। आसपास की जो नॉइज होती है, हमारे पास मान लीजिए कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसी क्रम में कोई बच्चा बोल दे या फिर दरवाज़ा आपका कोई खटखटा दे या फिर कोई आ जाए और बोल दे कुछ, गाड़ी ही गुजरे अगर कोई उसका हॉर्न सुनाई दे दे, तो लगभग 90% तक उस वॉइस को ये काट देता है, आसपास की जो नॉइज आती हैं उसको काट देता है, आपकी जो वॉइस क्वालिटी है उसको इनबिल्ट कर देता है, उसको थोड़ा सा और भी बढ़िया कर देता है। जैसे आपको अभी सुनाई दे रही है, पहले स्मार्टफोन में कैसे वॉइस जा रहा था, अभी वॉइस जो है वो कैसा है आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया अगर वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, कोई कमियां हो उसको भी बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें, जो भी वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।